हेलो एवरीबॉडी, द स्टोरी ऑफ माय लाइफ, हेलन केलर। चैप्टर 7 शुरू करते हैं। दूसरों की कंपैरिजन में कुछ ज़्यादा लंबा ये चैप्टर हेलन की एजुकेशन से रिलेटेड है। अब उसने पढ़ना लिखना शुरू कर दिया था। उसकी टीचर उसे गत्ते के बने टुकड़े या कुछ कॉइन्स दिया करती थी, जिन पर वर्ड्स उभरे हुए ढंग से छपे होते थे, यानी एम्बोस किए होते थे। हेलन ने तुरंत सीख लिया कि हर लेटर किसी वस्तु, क्रिया या विशेषताओं को दर्शाता है। उसे एक चौकार आकार की एक आकृति भी दी गई, जिसमें वो अक्षर को व्यवस्थित करके वर्ड्स बनाती थी, यानी कि लेटर को जोड़ के वो एक वर्ड बनाती थी। वो जो भी वर्ड उस हेल्प से बनाती थी, उसे छोटे सेंटेंस में फिर उसे वो बनाने लगी। इससे उसे ज़्यादा खुशी मिलती थी। इसके बाद उसे रीडर फॉर बिगिनर्स नाम की बुक दी गई, जिसमें वो उन वर्ड्स को ढूंढा करती थी जिन्हें वो जानती थी। महीनों तक सलीवन उसे शॉर्ट स्टोरीज के माध्यम से एजुकेशन देती रही। वो उसे ऐसे पढ़ाती थी जैसे कि वो भी एक छोटी बच्ची ही थी। उनका व्यवहार, बिहेवियर, हेलन के साथ बहुत ही सहानुभूतिपूर्ण था और उनमें एक्सप्लेन करने की कम माल की पावर थी। वो कभी कभी जीते हुए जो दिन बीत गए हैं, एक दिन से पहले पढ़ाए गए चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चन पूछकर गुस्सा नहीं दिलाती थी। उन्होंने विज्ञान की रुखी, जो भी बोरिंग सब्जेक्ट था, उसे भी थोड़ा थोड़ा करके उन्हें इंट्रोड्यूस किया हेलन से। हेलन को प्रकृति यानी कि नेचर की चीज़ों से कुछ ज़्यादा ही लगाव था और उसने उन नेचुरल थिंग्स के माध्यम से बहुत कुछ सीखा। उसे पेड़ों, फूलों, फलों, खिलती कलियाँ, कीड़े मकोड़े और घास एट्सेट्रा का अच्छा नॉलेज था। वो नेचर की सुंदर चीज़ों के बीच बहुत आराम और खुशी का अनुभव करती थी। नेचर की चीज़ों का नॉलेज पाने के बाद हेलन ने जियोग्राफी की तरफ अपना मुंह किया। छोटे छोटे रेत के ढेरों और पत्थरों के माध्यम से टीचर ने उसे पहाड़ों और आइलैंड का ज्ञात कराया। हेलन की अलजेब्रा की क्लास में उसे बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं था। उसने जोड़ घटाने यानी कि एडिशन और माइनस से ज़्यादा कुछ नहीं सीखा। लेकिन जंतु विज्ञान और बॉटनी उसके फेवरेट सब्जेक्ट थे। एक व्यक्ति ने उसे प्रयोग के लिए जानवर और प्लांट्स अवेलेबल करवाए। उसके पास जानवरों की ऊपरी कड़ी, खाल और बहुत कुछ था। सलीवन ने उसे उन सब के विषय में उपयोगी जानकारी दी और हेलन भी अपने छोटे से ज्ञान के खजाने के साथ वो बहुत खुश थी। वो लिली नाम की फूल की छोटी कलियों को सूरज के सामने खिड़की पर रख देती थी और छोटे छोटे मेंढकों के बातें करने को वो महसूस किया करती थी। इस एक्सपीरियंस के एक्सप्लेनेशन के बाद विशेषताएं ये कि जो भी एक्सप्लेनेशन था वो इतना लाइव है कि ये विश्वास करना मुश्किल हो जाता है कि इसे किसी अंधी बहरी लड़की ने लिखा हुआ है। इस तरह उसने जीवन से ही बहुत कुछ सीखा और सीखने की इस प्रोसेस में उसकी टीचर ने उसकी पूरी मदद की। वो हर वस्तु में, हर जगह पे उसके साथ मौजूद थी। उसकी सुंदरताओं और तारीफ करने का उसे कोई मौका नहीं छोड़ती थी। उन्हें बाल मनोविज्ञान का अच्छा ज्ञान था और उन्हें अच्छी तरह पता था कि बच्चे का दिमाग कैसे कदम दर कदम बढ़ता है। उनमें धैर्य यानी कि पेशेंस बहुत था। हेलन के लिए उनके अच्छे बिहेवियर के फलस्वरूप ही एजुकेशन का पहला साल इतना अच्छा बन पाया। बाद में उन दोनों के बीच में इतनी गहरी क्लोज रिलेशनशिप हो गई कि हेलन खुद को उनसे अलग सोच ही नहीं पाती थी। हेलन उनकी टैलेंट और एबिलिटी के प्रति अपने आप को उनका ऋणी मानती थी।